YouTube चैनल बनाने का सही तरीका क्या है जिससे कि आपका चैनल बहुत ही से ग्रो हो सकता है और बहुत जल्दी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है, आज वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप YouTube से हर महीने हजारों लाखों रुपए कमा सकते हो। यहां पर अभी आप ये लाइव पेमेंट प्रूफ देख रहे हो ना, ये इस नए चैनल की सिर्फ एक महीने की YouTube अर्निंग्स है, ये आपकी भी हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको एक YouTube चैनल बनाकर उससे पैसे कमाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने होते हैं, और ये 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट करना है उसका भी आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। आपको कुछ नए इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को ऑन करने होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि अगर एक सेटिंग भी मिस हो गई ना तो आप अपने चैनल को सही तरीके से सेट नहीं कर पाओगे और आप फिर यूट्यूब पर कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, और एक और रिक्वेस्ट भी है कि फटाफट से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो ताकि आपको YouTube से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस फ्यूचर में भी मिलते रहे, तो फटाफट से कर दो। दोस्तों, आपको एक नया YouTube चैनल बनाने से पहले एक Gmail अकाउंट बनाना होगा, राइट? देखो दोस्तों, अब YouTube का एल्गोरिथम पूरा चेंज हो गया है, तो आपको अपने नए YouTube चैनल को ग्रो करने में और चैनल को मोनेटाइज करने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आपको एक नया Gmail अकाउंट बनाना होगा अपने YouTube चैनल के लिए, राइट? तो सबसे पहले यहां पर आपको अपने YouTube ऐप को ओपन करना है। देन यहां पर हमें अपना एक नया जीमेल अकाउंट बनाना है YouTube चैनल के लिए, तो यहां पर आपको राइट बॉटम कॉर्नर साइड में यू सेक्शन दिख रहा होगा। देखो दोस्तों, मैं बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूं, तो अब ध्यान से देखना। आप यहां पर आपको यू सेक्शन पर क्लिक कर देना है, देन यहां पर आपको आपका नाम दिख रहा होगा, उसी के नीचे आपको स्विच अकाउंट का एक बटन दिख रहा है, आपको स्विच अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपके पहले से बनाए हुए जीमेल अकाउंट आपको दिख रहे होंगे, लेकिन हमें अपना एक नया जीमेल अकाउंट बनाना है, तो यहां पर आपको एड अकाउंट के बगल में प्लस का आइकन दिख रहा है, आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। देन चेक करने के बाद और वेरीफाई करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा गूगल के साइन इन पेज पर, देख रहे हो ना? यहां पर आपको अपना एक नया अकाउंट बनाना है। यहां पर ये बोल रहा है साइन इन करने के लिए, लेकिन हम अपना एक नया अकाउंट बनाना है, तो यहां पर आपको क्रिएट अकाउंट का एक बटन दिख रहा है, आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों, यही पर बहुत सारे नए क्रिएटर्स गलती कर देते हैं। यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला फॉर माई पर्सनल यूज और दूसरा फॉर वर्क और माई बिजनेस। तो यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन फॉर माई पर्सनल यूज पर क्लिक करना है। ध्यान से देखो दोस्तों, यहां पर आपको पहला ऑप्शन फॉर माई पर्सनल यूज इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि आप एक इंडिविजुअल क्रिएटर हो और आप ही अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करोगे, राइट? आप कोई बिजनेस तो हो नहीं, अगर आप बिजनेस होते तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करते, लेकिन आप एक इंडिविजुअल क्रिएटर हो तो आपको पहला ऑप्शन फॉर माई पर्सनल यूज को ही सिलेक्ट करना है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्रिएट अ गूगल अकाउंट में अपना पहला नाम और लास्ट नेम को एंटर करना है, तो यहां पर मैं अपना फर्स्ट नेम लिख देता हूं और लास्ट नेम लिख के नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। देन यहां पर आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, जिसमें कि आपका बर्थ डेट और जेंडर क्या है वो बताना है, जैसे कि मंथ क्या है, डेट क्या है, ईयर क्या है और आपका जेंडर क्या है। तो मैं फटाफट से अपना एंटर कर देता हूं और फिर नीचे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर आपसे गूगल बोल रहा है कि आपको अपने जीमेल अकाउंट के लिए एक यूनिक जीमेल आईडी बनाना होगा, राइट? तो यहां पर आप अपना खुद का भी नाम लिख सकते हो या फिर अपने चैनल का भी नाम यहां पर आप एंटर कर सकते हो। लाइक यहां पर मैं एग्जांपल के लिए डिजिटल राज लिखकर देखता हूं @gmail.com, तो ये अवेलेबल नहीं है, ये यूजर नेम टेकन है। तो यहां पर इसको यूनिक बनाने के लिए यहां पर मैं आगे में एंटर कर देता हूं कुछ नंबर्स को और ये अवेलेबल है, तो इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। देन यहां पर आपको अपने जीमेल अकाउंट के लिए एक स्ट्रांग पासवर्ड को सेट करना है, राइट? ये बहुत ही जरूरी है गाइज, यहां पर आपको एक स्ट्रांग पासवर्ड को सेट कर देना है। स्क्रीन पर यहां पर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, बस ये एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे ही एक स्ट्रांग पासवर्ड अपने जीमेल अकाउंट के लिए सेट कर सकते हो। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको अपना फोन नंबर ऐड करना है, तो यहां पर अभी आपको स्क्रॉल करके कुछ नहीं करना है, सिर्फ यस आई एम इन पर क्लिक कर देना है। मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में आपको बताऊंगा, तो आपको यस आई एम इन पर क्लिक कर देना है। देन यह आपको बोल रहा है रिव्यू करने के लिए आपका गूगल अकाउंट, तो यहां पर आपको सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको फाइनली स्क्रॉल करके नीचे आना है और आई अग्री वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका एक नया जीमेल अकाउंट रेडी हो गया है, लेकिन आपको अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है और उस पर जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को ऑन करके। तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूं, इसलिए आप ध्यान से देखना। यहां पर आपका नया अकाउंट बनते ही आप अपने नए अकाउंट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, अगर नहीं होते हो तो आप फिर से यहां पर अपने यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना। देन यहां पर आपको अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाने के लिए फिर से यहां पर राइट बॉटम कॉर्नर साइड में आपको अपना आइकन दिख रहा होगा
यू सेक्शन में आपको अपना लोगो दिख रहा होगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहां पर आपको आपका नाम शो हो जाएगा और उसी के जस्ट नीचे आपको एक क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको क्रिएट अ चैनल पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आप ध्यान से समझो, यहां पर आपको तीन चीजें लगानी है। सबसे पहला आपके चैनल का प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद आपके चैनल का नाम और आपके चैनल का हैंडल। तो यहां पर आपको सिंपली अभी कुछ नहीं करना है, यहां पर आप सिर्फ अपने चैनल का नाम सेट कर दो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मैं आपको आगे बताने वाला हूं, मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूं। तो यहां पर आप नेम पर क्लिक करके अपने चैनल का नाम सेट कर सकते हो। लाइक यहां पर एग्जांपल के लिए मैं अपने ही चैनल का नाम सेट कर देता हूं, डिजिटल राज लिख देते हैं, और यहां पर ऊपर आपको सेव का बटन दिख रहा है, आपको सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर फाइनली आपको सबसे नीचे क्रिएट चैनल का बटन दिख रहा है, आपको क्रिएट चैनल के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका एक YouTube चैनल बन गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन अभी हमने सिर्फ इस पर 1% का ही काम किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये बिल्कुल YouTube चैनल एम्प्टी है, खाली है। और अगर अभी आप इस पर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देते हो तो ना ही आपके व्यूज आएंगे और ना ही सब्सक्राइबर्स आएंगे, क्योंकि अभी आपने सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को ऑन नहीं की है। तो अब आप ध्यान से देखो, मैं आपको सब कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ नए इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को ऑन करने होंगे। उसके यहां पर आपको पेंसिल आइकन दिख रहा है, आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको चैनल सेटिंग्स का ऑप्शन खुल जाएगा और उसी के नीचे आपको यहां पर आपके चैनल का प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए बोल रहा है। तो आपका जो लोगो दिख रहा है उस पर आपको कैमरा का आइकन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है और इसको अलाउ करके आपको अपने चैनल का प्रोफाइल पिक्चर को यहां पर सेट कर देना है। तो यहां पर मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूं और इसको आप ड्रैग करके जो है इसके साइज को बराबर कर सकते हो। फिर यहां पर आपको इसे सेव पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप, जैसे कि मैं अपने चैनल पर प्रोफाइल पिक्चर भी लगाया हुआ है, बैनर भी लगाया हुआ है, वैसे ही आपको यहां पर बैनर भी सेट करना होगा। तो यहां पर आपको प्रोफाइल पिक्चर के कॉर्नर साइड में बैनर का आइकन दिख रहा है, आपको उस वाले कैमरा आइकन पर क्लिक कर देना है और यहां से आपको अपने बैनर को सिलेक्ट कर देना है। लाइक एग्जांपल के लिए मैंने एक सिंपल सा यहां पर बैनर बनाया हुआ है, तो यहां पर इसको भी सेट कर देते हैं। और अगर आपको बैनर बनाना नहीं आता है तो उसका रिलेटेड वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दिया है, तो उसे आप जरूर चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। तो यहां पर बैनर को भी आप जो है ड्रैग करके जो है इसके साइज को बराबर कर सकते हो। लाइक यहां पर मैंने इसे ड्रैग कर दिया है और देख सकते हो कि ये कैसा दिखेगा टीवी पर, डेस्कटॉप पर और सारे डिवाइसेस पर, देख सकते हो यहाँ पर। तो इसको भी आपको सेट करके ऊपर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपके चैनल का प्रोफाइल पिक्चर सेट हो गया है और बैनर सेट हो गया है। अब आपको दो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स यहाँ पर ऑन करनी होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आपके चैनल का नाम दिख रहा है, जो कि हम लोग ने पहले ही सेट किया हुआ है। अगर आप चाहो तो इसे अभी भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपने चैनल के नाम के बाद पेंसिल आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ YouTube आपसे बोल रहा है कि 14 डेज में आप सिर्फ दो बार ही अपने YouTube चैनल के नेम को चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पर आप अपने चैनल के नेम को फिर से सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पहले से अपने चैनल के नाम को सेट किया हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर मैं सेव वाले बटन पर क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर आपके चैनल का नाम सेट हो गया है। तो यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है आपके चैनल के हैंडल को सेट करना। तो यहां पर हैंडल के नेक्स्ट में आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। अब आप बहुत ध्यान से समझो दोस्तों, अगर आपको अपने YouTube चैनल को YouTube पर रैंक करवाना है तो यहां पर हैंडल आप कोशिश करो जितना ज्यादा हो आपके चैनल के नेम से वो मिलता जुलता होना चाहिए। लाइक जैसे मेरे चैनल का नाम है डिजिटल राज, तो ये हैंडल जो है मैंने अपने मेन चैनल के लिए लिया हुआ है। तो यहां पर आप कोशिश करो कि उसमें आप कुछ सफिक्स ऐड कर दो, चाहे वो नंबर हो या अल्फाबेट हो, लेकिन वो आपके चैनल से मिलता जुलता होना चाहिए। तो यहां पे मैं डिजिटल राज के आगे 123 लगा सकता हूं, 989 लगा सकता हूं, या फिर कोई अल्फाबेट लगा के देखते हैं। यहां पर YouTube लिख के देखते हैं, तो यहां पर ये अवेलेबल है। अब यहां पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे आपका चैनल का नाम सेट हो गया है, चैनल का हैंडल भी सेट हो गया है, उसी के नीचे आपका चैनल का URL है और उसी के नीचे आप डिस्क्रिप्शन सेट करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन के नेक्स्ट में पेंसिल आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको एक SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन सेट करना है, राइट? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको YouTube को बताना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और आपका चैनल क्या है, तो आपको अपने डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से सेट करना होगा। लाइक यहां एग्जांपल के लिए मैं अपने मेन चैनल का ही डिस्क्रिप्शन यहां पर पेस्ट कर देता हूं, तो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने अपने चैनल से मिलते जुलते कीवर्ड्स को ऐड किया है, टैग्स को ऐड किया है, हैशटैग्स को ऐड किया है। तो ऐसे ही आप जो है इसका एक रेफरेंस ले सकते हो और अपने चैनल के बारे में आप YouTube के एल्गोरिथम को बता सकते हो कि आपका बेसिकली चैनल क्या है और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है।
फिर YouTube आपके चैनल को टारगेट ऑडियंस तक प्रमोट करेगा, बूस्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको एक SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ऊपर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अभी अपने सारी बेसिक सेटिंग्स को ऑन कर लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर आपने अपना बैनर लोगो सेट कर लिया है और आपका अबाउट सेक्शन भी दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन अभी आपने अपनी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को ऑन नहीं किए, तो मैं आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको अपने यूट्यूब ऐप से वापस आ जाना है और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को ऑन करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर में एंटर हो जाना है। तो क्रोम ब्राउजर को यहाँ ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले चीज जो आपको करनी है, आपको टॉप राइट कॉर्नर साइड में 3 डॉट्स दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करना है और यहां से आपको डेस्कटॉप साइट को बस इनेबल कर देना है। फिर जो काम आप बड़े बड़े लैपटॉप और कंप्यूटर में कर सकते हो, वही सारे काम आप अपने स्मार्टफोन में कर सकते हो। तो ओपन होने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है studio.youtube.com। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे नए क्रिएटर स्पेलिंग में गलत कर देते हैं, तो आप ध्यान से देखना, कोई भी स्पेसिंग नहीं है। studio.youtube.com लिखने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो के लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप अपने YouTube स्टूडियो में एंटर हो जाओगे और यहीं से आपको सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को ऑन करना होगा। दोस्तों ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको लेफ्ट बॉटम कॉर्नर साइड में सेटिंग्स का आइकन दिख रहा होगा। देखो मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ, सेटिंग्स वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा और यहीं से आपको सभी इंपॉर्टेंट और एडवांस सेटिंग्स को ऑन करना होगा। ध्यान से देखो, मैं आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ही सेटिंग्स बता देता हूँ। तो यहां पर सबसे पहला सेटिंग है जनरल, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन सेकंड ऑप्शन है यहां पर चैनल सेटिंग्स, तो आपको चैनल सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहीं से आपको सारे एडवांस सेटिंग्स को ऑन करना है। सबसे पहले बेसिक इन्फो में यहां पर आपको कंट्री ऑफ रेसिडेंस को सिलेक्ट करना होगा। तो यहां पर आपको सिलेक्ट पर क्लिक करके अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारी कंट्री यहां पर इंडिया है, तो इंडिया को यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर आपको यूट्यूब के एल्गोरिथम को बताना पड़ेगा कि आपका बेसिकली चैनल क्या है और किस टाइप के ऑडियंस के लिए, तब जाके यूट्यूब का एल्गोरिथम आपके वीडियोस को समझेगा और सही ऑडियंस तक पहुंचा पाएगा, जिससे कि आपका चैनल जल्दी जल्दी ग्रो होगा। तो उसके लिए आपको अपने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड्स को यहां पर ऐड करने होंगे। तो यहां पर आपको कीवर्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है और वहां पर आपको ऐड कीवर्ड्स पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहां पर आपको अपने चैनल का नाम एज अ कीवर्ड मेंशन करना होगा। दोस्तों ध्यान से देखो, यहां पर आपके चैनल का जो भी नाम है उसको आप एज अ कीवर्ड यहां पर लिख दो। तो हमारे चैनल का नाम है डिजिटल राज, तो यहां पर मैं एज अ कीवर्ड डिजिटल राज सबसे पहला कीवर्ड यहां पर लगा देते हैं। देन सेकंड कीवर्ड आपको जो लगाना है वो होगा आपके चैनल का कैटेगरी, राइट। आपके चैनल का जो भी कैटेगरी है उसको एज अ कीवर्ड यहां पर मेंशन कर दो। तो हमारे चैनल का कैटेगरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहां पर मेंशन कर देते हैं। और आपको अगर आपके चैनल का कैटेगरी नहीं पता है तो आप अभी मुझसे कमेंट में पूछो, मैं आपको तुरंत ही आपके चैनल का सही कैटेगरी बता दूंगा। तो उसके बाद यहां पर आपको ऐसे ही और रिलेटेड स्पेसिफिक कीवर्ड्स को लगाना होगा। तो यहां पर मैंने पहले से उसे कॉपी किया हुआ है, तो यहां पर उसे मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो एज एग्जांपल कि आपको कैसे कैसे रिलेटेड कीवर्ड्स अपने चैनल से रिलेटेड लगाना होगा। उसके बाद यहां पर आपको अब आ जाना है सेकेंड ऑप्शन, जो कि है एडवांस सेटिंग्स। आपको एडवांस सेटिंग्स वाले टैब पर क्लिक कर देना है और यहीं से आपको सारे एडवांस सेटिंग्स को ऑन करना होगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको जो है पूछा जा रहा है, Do you want to set your channel as made for kids? तो यहां पर ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर बहुत सारे नए क्रिएटर्स बिल्कुल गलती करते हैं। यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहां पर बहुत सारे क्रिएटर्स क्या करते हैं कि इसको यस सेट द चैनल एज मेड फॉर किड्स पर सेट कर देते हैं, जिससे कि उनके चैनल की रीच कम हो जाती है और उनकी वीडियो सिर्फ बच्चों तक ही पहुंच पाती है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि उनकी अर्निंग्स भी बहुत कम होती है। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या है, यहां पर आपको सेकेंड ऑप्शन नो सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स पर ही सिलेक्ट करना है दोस्तों, जिससे कि आपके चैनल की रीच भी बढ़ेगी, व्यूज भी ज्यादा आएंगे और आपकी ज्यादा अर्निंग्स हो पाएगी। तो यहां पर आपको इसे नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स। उसके बाद यहां पर आपसे गूगल एड्स को लिंक करने के लिए बोला जा रहा है, वो मैं आपको बाद बताऊंगा। मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बता देता हूं। तो यहां पर उसी के नीचे आपको ऑटोमेटिक कैप्शन का ऑप्शन मिल जाता है,
है, तो दोस्तों यहां पर आपके इसके चेकबॉक्स पर डोंट शो पोटेंशियली इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स पर चेकबॉक्स पर टिक कर देना है, जिससे कि अगर आपके वीडियो में कहीं पर भी कोई इन अप्रोप्रिएट वर्ड आ जाता है तो वो जो है इसे नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो एडवर्टीजमेंट वाले सेटिंग्स में आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ध्यान देखना, यहां पर आपको कुछ भी चेक नहीं करना है। आपको आ जाना है क्लिप्स वाले सेक्शन में, तो क्लिप्स में आपको अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माय कंटेंट के चेकबॉक्स पर आपको टिक कर देना है। इससे क्या होगा कि जो भी व्यूअर्स आपके वीडियो में से कुछ क्लिप्स को वो यूज करेंगे अपने कंटेंट में, तो इससे आप ही का एक्स्ट्रा प्रमोशन होगा, जिससे कि आपकी रीच बढ़ेगी। नया सेटिंग है तो इसको आपको ऑन कर देना है। देन आपको आ जाना है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में, फीचर एलिजिबिलिटी का। यहाँ पर आपको टैब दिख रहा है, आपको थर्ड टैब फीचर एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको सारे एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है स्टैंडर्ड फीचर्स, जो कि यहाँ पर आपका इनेबल्ड है, इसे YouTube ने पहले से ही इनेबल्ड किया हुआ है, तो आपको सीधे आ जाना है सेकेंड इंटरमीडिएट फीचर्स पर। वहां पर आपको एक साइड में एलिजिबल का बटन दिख रहा है, आपको एलिजिबल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक बॉक्स ड्रॉप डाउन हो जाएगा, जहां पर आपको अपना फोन नंबर वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है YouTube। तो यहां पर अगर आप अपना फोन नंबर वेरीफाई कर देते हो तो आपको सारे इंटरमीडिएट फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप 15 मिनट से ज्यादा लंबे वीडियोस अपलोड कर पाओगे। देन आप कस्टम थंबनेल्स, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि लोग अपने से थंबनेल बनाते हैं और उसे लगाते हैं, उसे कस्टम थंबनेल्स बोलते हैं, तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देन लाइव स्ट्रीमिंग आप अपने चैनल पर करना शुरू कर सकते हो, तो ये सभी कुछ होगा जब आप अपने मोबाइल फोन नंबर को अपने यूट्यूब चैनल से लिंक करोगे। तो उसके लिए यहां पर आपको वेरीफाई फोन नंबर के बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आप रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने यूट्यूब ऐप पर और फिर रिडायरेक्ट हो जाओगे आप क्रोम ऐप पर ही। तो यहां पर बिल्कुल ये दो स्टेप का प्रोसेस है। तो स्टेप वन में आपको अपने मोबाइल नंबर को यहां पर एंटर कर देना है, और आपको पूछा जा रहा है कि आपको ये कोड जो है किस फॉर्म में चाहिए, टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए या फिर कॉल के थ्रू चाहिए। तो यहां पर हम लोग टेक्स्ट फॉर्म पर ही सिलेक्ट कर लेते हैं और अपने फोन नंबर को यहां पर हम लोग एंटर कर देते हैं। उसके बाद नीचे आपको गेट कोड का बटन दिख रहा है, आपको गेट कोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके फोन पर 6 डिजिट का एक कोड गूगल की तरफ से आया होगा, वहां पर आपको जाके उसे कॉपी कर लेना है और उसे यहां पर लाकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फाइनली आपको नीचे एक सबमिट का बटन दिख रहा है, आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहां पर आपका फोन नंबर वेरीफाइड हो गया है, यहां पर आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी दिख रहा है, कांग्रेचुलेशन योर फोन नंबर इज नाउ वेरीफाइड। तो यहां पर आप जब आप बैक आओगे तो आप देखोगे कि आपका जो इंटरमीडिएट फीचर्स है अब वो इनेबल्ड शो हो रहा है, जो पहले एलिजिबल था अब वो इनेबल्ड हो गया है। तो आपको सारे इंटरमीडिएट फीचर्स आपने अनलॉक कर दिए और वो सारे सेटिंग्स आपको अब मिल जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, जो कि है एडवांस फीचर्स, उसको भी आपको इनेबल करना होगा। तो उसके लिए आपको उसके एलिजिबल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका एक ड्रॉप डाउन यहां पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आप सारे एडवांस फीचर्स यहां पर आप देख सकते हो, और इसका एक्सेस पाने के लिए आपको यहां पर एक्सेस फीचर्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स पॉपअप हो जाएगा, जहां पर आपसे 3 तरीकों से ये बोल रहा है कि आप इसका एक्सेस पा सकते हो। सबसे पहले यहां पर आपको बोला जा रहा है यूज वीडियो वेरिफिकेशन, जिसमें आपका 1 दिन में ही अप्रूवल मिल जाता है। सेकेंड है आपका यूज योर वैलिड आईडी, जिसका भी आपको अप्रूवल 1 दिन में आ जाता है। और थर्ड यहां पर ऑप्शन आपको मिलता है बिल्ड चैनल हिस्ट्री, जिसमें आपको यूजुअली 2 मंथ लग जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप या तो वीडियो वेरिफिकेशन से या तो अपना एक वैलिड आईडी डाल के यहां पर आप अपने यहां पर एक्सेस फीचर्स को इनेबल कर सकते हो। तो यहां पर मैं यूज योर वैलिड आईडी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि आपने जो भी जीमेल अकाउंट हम लोग ने शुरुआत में बनाया था, उस वाले जीमेल अकाउंट पर आपका एक कोड गया होगा, एक लिंक गया होगा वेरिफिकेशन को शुरू करने के लिए। तो यहां पर आपको उस पर गेट ईमेल पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके मेल पर वो लिंक आ जाएगा। तो यहां पर आपने गेट ईमेल पर क्लिक कर दिया है, अब यहां पर आपको डन पर क्लिक कर देना है और यहां से आपको आ जाना है अपने जीमेल ऐप पर। जैसे ही आप जीमेल ऐप को ओपन करोगे तो आपको तुरंत ही गूगल की तरफ से एक लिंक आ गया होगा। तो यहां पर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो यहां पर लिंक आ गया है। यहां पर फर्स्ट वाले मेल को ओपन कर देते हैं, यहां पर मैसेज आया हुआ है राज यूज योर आईडी फॉर यूट्यूब फीचर्स, मतलब एडवांस फीचर्स पाने के लिए हमें यहां पर वेरिफिकेशन को स्टार्ट करना होगा। तो स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहां पर आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन का बटन दिख रहा है, आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है और यहां से आपको अपना ब्राउजर
क्रोम ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हम मुझे जो है अपना एक वैलिड आईडी प्रोवाइड करना होगा। इसी तरीके से अगर आप वीडियो वेरिफिकेशन करते हो तो आपको बस अपना फोन सामने रखना है और वीडियो वेरिफिकेशन के दौरान भी तुरंत ये आपका जो फीचर जो है एक दिन का टाइम लगता है और आपका जो है ये एडवांस फीचर भी यहाँ पर इनेबल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ तो देखो यहाँ पर जो है थर्ड फीचर एडवांस फीचर्स भी यहाँ पर अब इनेबल हो गया है, ग्रीन कलर से शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे फीचर्स को अभी ऑन कर लिया है। इसी तरीके से आपको और भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को भी ऑन करना होगा। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में अपलोड डिफॉल्ट्स का सेटिंग्स दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये सब बहुत सारे नए क्रिएटर्स गलती करते हैं, इस सेटिंग को स्किप कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको अपलोड डिफॉल्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दो सेटिंग्स मिल जाते हैं, बेसिक इन्फो का और एडवांस सेटिंग्स का। तो यहाँ पर भी आपको अभी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांस सेटिंग्स को ऑन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इन्फो की। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी और टैग्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप अपने वीडियो के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन को सेट कर सकते हो, जिससे कि आप अपने वीडियोस में बार बार डिस्क्रिप्शन, बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन ना लिखो। अब हर वीडियो का टाइटल तो अलग होता है, तो यहां पर आप अपने डिस्क्रिप्शन का एक फ्रेमवर्क यहां पर आप सेट कर सकते हो, जिससे कि आपको बार बार बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन ना लिखना पड़े। तो वो मैंने पहले से लिखा हुआ है, यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन में आकर सिंपली डिस्क्रिप्शन को यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने एक यहां पर अपना एक डिस्क्रिप्शन सेट कर लिया है। अब मेरे वीडियो का जो भी टॉपिक होगा वो मैं यहां पर शुरुआत में चेंज कर सकता हूं, उसी के हिसाब से वहां पर मैं हैशटैग को भी यहां पर लगा सकता हूं। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे विजिबिलिटी का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको विजिबिलिटी पर क्लिक करना है और यहां पर आपको अपनी वीडियो की विजिबिलिटी को अनलिस्टेड पर सेट करना है। ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी वीडियो को अपलोड करके हाथों हाथ पब्लिक मत करना, वरना आपकी वीडियो की क्वालिटी घट जाएगी और उसकी रीच और इंप्रेशन भी घट सकती है। क्योंकि अगर आप कुछ सेटिंग्स पहले से नहीं करोगे और ऐसे ही पब्लिक कर दोगे तो उससे बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आप जब भी कोशिश करो कि वीडियो को अनलिस्टेड करके ही अपलोड करो, तो इसे आप यहीं पर डिफॉल्ट सेट कर दो अनलिस्टेड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग टैग्स। टैग्स में आपको जो है अपने वीडियो से रिलेटेड कुछ टैग्स लगाने होते हैं, जिससे कि YouTube का एल्गोरिथम समझ पाता है कि आपका वीडियो क्या है, कैसी ऑडियंस के लिए है, और फिर वो आपके वीडियोस को वहां तक बूस्ट करता है, प्रमोट करता है, जिससे कि आपकी रीच और इंप्रेशन बढ़ती है और आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो करता है। तो यहां पर आपको अपने टैग सेक्शन में, अब हर वीडियो का टैग तो अलग होगा लेकिन कुछ ऐसे भी टैग्स है जो आपके सारे वीडियो में सेम रहेंगे, तो सबसे पहले टैग्स में आपको ऐड टैग्स पर क्लिक करना है और यहां पर आपको अपने चैनल का नाम एज अ टैग लगा देना है। तो हमारे चैनल का नाम है डिजिटल राज, तो उसे एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपको एक नया टैग लगाना है, तो आपको कॉमा डालना होगा और उसके बाद आप कुछ नया टैग अपने वीडियो से रिलेटेड लगा सकते हो, लेकिन आपका सेकंड टैग होना चाहिए आपके चैनल का कैटेगरी, राइट। तो हमारे चैनल का कैटेगरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसको भी एंटर कर देते हैं और यहाँ पर कॉमा एंटर कर देते हैं। इसी तरीके से अब आप जो भी वीडियो को अपलोड करोगे उससे रिलेटेड, उससे स्पेसिफिक ही आपको जो है यहाँ पर टैग्स को एंटर करना होगा। तो ये सेटिंग्स आपने अब कंप्लीट कर लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो कि है एडवांस सेटिंग्स, उसके लिए आपको सेकंड टैब एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करना है। और अब यहां पर आप ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर बहुत सारे लोग जो है गलती करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको ऑटोमेटिक चैप्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि YouTube ने ऑटोमेटिकली इसे इनेबल ही किया हुआ है, अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स, तो ये आपको इनेबल नहीं करना है, ये YouTube ने पहले से किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर लाइसेंस के नेक्स्ट में आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा है। ध्यान रहे, आपके वीडियो का कैटेगरी और आपके चैनल का कैटेगरी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, जिस टाइप का आप कंटेंट बनाते हो। तो यहां पर आपको अपने चैनल का एग्जैक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। बहुत सारे क्रिएटर्स क्या करते हैं, यहाँ कैटेगरी पे क्लिक करके अगर वो टेक्स से रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं तो वो उसे एजुकेशन में डाल देते हैं, एजुकेशन वाले वीडियोस को वो हाउ टू इंस्टॉल में डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पर कैटेगरी पे क्लिक करके अपने चैनल का एग्जैक्ट कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कैटेगरी, मैं टेक के ऊपर बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी कैटेगरी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर सेट करता हूँ। अगर आपको आपकी कैटेगरी नहीं पता तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कमेंट में मुझसे पूछो, मैं आपके चैनल का एग्जैक्ट
कैटेगरी आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेट्स में आपको यहाँ पर वीडियो लैंग्वेज में आपको अपनी वीडियो का लैंग्वेज YouTube को बता देना है कि आप बेसिकली किस लैंग्वेज में अपनी वीडियोस को बनाने वाले हो, क्या वो SMEs है, बंगाली है, इंग्लिश है, हिंदी है, जर्मन है, जो भी लैंग्वेज है आपकी वीडियो का वो यहाँ पर आप यहाँ पर बता दो YouTube को। तो हमारी वीडियो का लैंग्वेज मोस्टली हिंदी ही में आएगा, तो यहाँ पर वीडियो लैंग्वेज हम लोग अपनी ऑडियंस को यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके नेक्स्ट में आपको कैप्शन सर्टिफिकेशन दिख रहा है, इस वाले में आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं करना है, तो कैप्शन सर्टिफिकेशन से आप बाहर आ जाओ। उसी के नीचे आपको यहाँ पर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश में सिलेक्ट हुआ है, तो मोस्टली आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप इंग्लिश में ही लिखोगे या फिर इंग्लिश में लिखोगे तो वो इंग्लिश में ही कहलाएगा, तो इसे इंग्लिश ही रहने दो। देन आपने कमेंट्स को यहाँ पर हमेशा ऑन रखना है, ऑफ मत रखना कमेंट्स को, हमेशा कमेंट्स को ऑन रखना जिससे कि आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। फिर आपका जो है यहाँ पर लास्ट ऑप्शन सी शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, इसको भी आपको ऑन रखना है। तो यहाँ पर आपने अपनी एडवांस सेटिंग्स को भी बहुत अच्छे तरीके से सही तरीके से सेट कर लिया है, तो यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट लेफ्ट साइड में परमिशंस का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, आप अपने चैनल के खुद ही ओनर हो तो अभी आपको किसी को यहाँ पर परमिशन नहीं देना है। उसी के नीचे आपको कम्युनिटी का सेटिंग दिख रहा है, आपको कम्युनिटी वाले सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने चैनल का मॉडरेटर को सेट कर सकते हो, राइट। मॉडरेटर बेसिकली आपके चैनल का वो बैक एंड से काम कर सकता है, लाइक अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो वो लाइव स्ट्रीम में वो कमेंट्स को मॉडरेट कर सकता है, आपके चैनल के लिए वो थंबनेल बना सकता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकता है, तो आप अपने चैनल का एक मॉडरेटर या डिफरेंट मॉडरेटर्स को यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसी के नीचे आपको क्रिएटर डेमोग्राफिक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये बिल्कुल एक नया सेटिंग है, तो इसमें आपसे यूट्यूब बेसिकली एक 5 मिनट का सर्वे मांग रहा है, तो आपको बस यहाँ पर आई एग्री बटन पर क्लिक करके उस सर्वे को कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पर आपको एग्रीमेंट सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है। अब फाइनली आपको फर्स्ट जनरल सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी करेंसी को सिलेक्ट करना है, लाइक जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आप अपनी अर्निंग्स किस में देखना चाहते हो वो आपको यहाँ पर बताना है। बेसिकली यहाँ पर ये डिफॉल्ट US डॉलर में सिलेक्ट हुआ है, तो आप अपनी करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक यहाँ पर हमारी करेंसी इंडियन रुपीज INR है, तो यहाँ पर डॉलर पर क्लिक करके आपको अपनी रिलेटेड करेंसी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, तो INR इंडियन रुपी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपने सारी एडवांस सेटिंग्स कर लिए दोस्तों, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, आपने सब कुछ सही तरीके से कर लिया है, तो फाइनली यहां पर आपको नीचे सेव का बटन दिख रहा है, आपको सेव पर क्लिक कर देना है और इससे आपकी सारी एडवांस सेटिंग्स यहां पर पूरी हो जाती है। लेकिन आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने होंगे जिससे कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आपकी अर्निंग्स भी होना शुरू हो जाएगी, तो वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उसे जानने से पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, अगर आपने नहीं किया तो अभी फटाफट से लाइक कर दो, लाइक है मैं सिर्फ 10 के, मुझे पूरा बिलीव है कि आप फटाफट से उसे कंप्लीट कर दोगे, तो जल्दी से लाइक कर दो। तो दोस्तों अगर आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर तेजी से कंप्लीट करना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या टॉप कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। यहां पर आप जितने भी मेंबर्स देख रहे हो दोस्तों, ये सारे नए यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने चैनल को बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, यहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक लिंक दिख रहा है ना, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है जिससे कि आप एक नए ग्रुप में आ जाओगे और इस ग्रुप को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। यहां पर आपको जितने भी मेंबर्स दिख रहे हैं वो सारे नए यूट्यूबर्स हैं, एक्टिव ऑनलाइन सब्सक्राइबर्स हैं जो कि अपने चैनल को बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, यहां पर आपको क्या करना है कि आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिंक को कॉपी कर लेना है और इस ग्रुप में लाकर पेस्ट कर देना है। देन जितने भी मेंबर्स हैं यहां पर, वो सारे मेंबर्स आपके चैनल पर जाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आपके चैनल के सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर बहुत तेजी से हो सकते हैं दोस्तों, और आपका चैनल भी बहुत तेजी से मोनेटाइज हो सकता है जिससे कि आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वो भी अपने चैनल के लिंक को पेश करे तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उन्हें सपोर्ट करो, है ना। तो ये आप करके आप बहुत तेजी से अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन लेकिन दोस्तों अगर आपको अपने चैनल पर ज्यादा अर्निंग पानी है तो उसके लिए आपको अपने वीडियोज को वायरल करना होगा और आपको ज्यादा उस पर व्यूज आएंगे तभी ना आपके पैसे आएंगे। तो आप अपने नए चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मत अपलोड कर देना दोस्तों, वरना आपकी जो है ना ही उस पर व्यूज आएगा और ना ही उसकी रीच होगी। वीडियो अपलोड करने का भी सही तरीका है जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं चेक किया तो इसे जरूर चेक करना, इसे 12 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है, उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हुई है, ट्रस्ट मी आपकी भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आप अभी इस वीडियो को चेक करो, मैं मिलता हूं आपसे सीधे इस वीडियो पर।